वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने अपने पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंसेस मुझे बताए हैं, और अगर आप चाहें तो मैं वो एक्सपीरियंसेस एक स्टोरी के फॉर्म में या फिर एक अलग एपिसोड में शेयर कर सकता हूँ। जो सब्सक्राइबर्स नहीं चाहते कि मैं उनका नाम और प्लेस को डिस्क्लोज करूँ, तो यू वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट दैट, आपका नाम और जगह डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और अगर बाकी लोग भी चाहें तो अपनी लिखी हुई स्टोरीज या फिर अपने पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा, बिकॉज उसमें कई डिटेल्स मिस हो जाते हैं। और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बिना देर किए सीधा चलते हैं वीडियो पर। जब भी हम ऑकल्ट या पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स की डेप्थ में जाते हैं तो हमें एक बहुत ही कॉमन टर्म सुनने को मिलता है। उस शब्द का नाम है शैतान, सैटन या फिर डेविल। अब्राहमिक रिलीजन्स जैसे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अल्लाह या गॉड की तरह ही शैतान की अवधारणा है, और ऐसा माना जाता है कि शैतान ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करता है। और हमें हिस्ट्री में ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, मैं इन्हें कहानियां ही कहूंगा, जहां पर इंसानों ने शैतान या फिर किसी डीमन से कोई डील की थी या फिर एक तरह का सौदा किया था, और इसके बदले में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें पाने की कोशिश की थी जो कि आम तौर पर इतना जल्दी उनके लिए करना मुमकिन नहीं था। इस फिनोमेना का नाम है अ डील विद द डेविल। वेस्टर्न फोकलोर में डेविल शैतान या फिर किसी डीमन से डील करने को सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने वाले की न सिर्फ जिंदगी छोटी हो जाती है बल्कि मरने के बाद उसकी आत्मा भी नरक में हमेशा के लिए तड़पती रहती है। अभी हम इस फिनोमेना के एक एलिजेडली सबसे पॉपुलर हादसे के बारे में बात करते हैं, जो कि हुआ था रॉबर्ट लीरॉय जॉनसन के साथ। रॉबर्ट लीरॉय जॉनसन को ब्लूज या फिर रॉक एंड रोल म्यूजिक का एक लेजेंड माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उनके जैसा ब्लूज म्यूजिशियन ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही शायद भविष्य में होगा। रॉबर्ट लीरॉय जॉनसन 1911 में पैदा हुए थे, और वो भी कई अफ्रीकी मूल के म्यूजिशियंस की तरह ही बनना चाहते थे। अमेरिका में इस वक्त स्लेवरी खत्म हो चुकी थी, पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसीलिए वो अफ्रीकी मूल के लोग जो कि अब स्लेव नहीं थे, ना तो उनके पास कोई खास एजुकेशन होती थी और ना ही अपनी खुद की जमीन। ऐसे में किसी भी अफ्रीकी मूल के आदमी का तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचना आसान नहीं था। पर रॉबर्ट के साथ एक प्रॉब्लम और थी। रॉबर्ट को म्यूजिक का ABC भी नहीं पता था। उसके कुछ पुराने दोस्तों के मुताबिक रॉबर्ट इतना खराब गिटार बजाता था कि उसे कई बार बार से धक्के देकर बाहर निकाला गया था, और उसके गानों की लिरिक्स और सिंगिंग की तो बात ही मत कहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबर्ट के खराब म्यूजिक की वजह से लोग बार में ज्यादा देर रुकते नहीं थे, और उन बार चलाने वालों को इसका काफी नुकसान होता था। ऐसे में रॉबर्ट अचानक 3 साल के लिए कहीं लापता हो जाता है, और 3 साल बाद जब वो वापस आता है तब उसकी सिंगिंग, गिटार और लिरिक्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि उस वक्त के ब्लूज म्यूजिशियंस को भी उससे जलन होने लगती थी। किसी भी गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, पर रॉबर्ट ने अपने गिटार में 7वीं स्ट्रिंग भी ऐड की थी। सुनने वालों का कहना था कि रॉबर्ट को प्ले करते देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब भी वो गिटार बजा रहा होता था तब वो 3 म्यूजिशियंस का काम अकेले ही करता था, और वो भी एक ही इंस्ट्रूमेंट पर। अपने गिटार से वो बेस, मेन स्कोर और रिदम तीनों बजाता था, और अपने ही लिखे सॉन्ग्स को गाता भी था। ये जैसा सुनाई देता है उससे भी ज्यादा कठिन और करिश्माई है। लेजेंड है कि जब रॉबर्ट 3 साल के लिए गायब हो गया था तब वो मिसिसिपी के एक चौराहे पर गया था और उसने डेविल को बुलाया था। रॉबर्ट वहां रात के अंधेरे में खड़ा इंतजार कर रहा था कि पास में उगी लंबी घास से एक बड़ा सा काला साया रॉबर्ट को अपनी तरफ आता दिखाई दिया। रॉबर्ट जानता था कि ये कौन है या फिर क्या है। उसने रॉबर्ट से उसकी आत्मा का सौदा किया और उससे उसका गिटार मांगा। रॉबर्ट ने जब उसे अपना गिटार दिया तो उसने उसे ट्यून किया, उसमें एक और स्ट्रिंग लगाई और रॉबर्ट को दिखाया
क्यू से कैसे बचाते हैं। कुछ देर बाद उसने रॉबर्ट को उसका गिटार वापस कर दिया और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। इसके बाद जब रॉबर्ट वापस आया तो उसे एक वरदान सा मिल गया था। वो कई बार्स में जाता और अपनी परफॉर्मेंस देता। उसके चाहने वाले धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और इसके साथ ही उसकी शोहरत भी। कुछ पुराने लोगों का कहना था कि रॉबर्ट बाहर किसी भी शहर या गांव में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करता था। वो कुछ हफ्तों तक वहां रुकता, बार्स में म्यूजिक प्ले करता, पैसे इकट्ठा करता और फिर 6 महीने 1 साल के लिए कहीं गायब हो जाता। और इस बीच किसी ने भी उसका नाम डेविल के साथ नहीं जोड़ा था। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में केवल 29 गाने लिखे थे और उन्हें एक आरजे की मदद से एक होटल के रूम में रिकॉर्ड किया था, पर वो सारे गाने सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट पर थे, रॉबर्ट के अपने खुद के गिटार पर। इसके बाद रॉबर्ट अचानक एक दिन अपने घर में मरा हुआ मिलता है। यह रॉबर्ट की कहानी का शॉर्ट वर्जन है, क्योंकि मेरा फोकस रॉबर्ट पर नहीं बल्कि उसकी तथाकथित डील विद द डेविल पर है। अगर आपको रॉबर्ट लीरॉय जॉनसन की कहानी डिटेल में सुननी है तो आप मेरी स्टोरी आत्मा का सौदा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सुन सकते हैं। एनीवेज, रॉबर्ट की इस डील विद द डेविल वाली कहानी पर देखने के लिए हमारे पास दो पहलू हैं। पहला ये कि शायद रॉबर्ट ने सच में ऐसा किया था, और दूसरा ये कि ये क्रिश्चियन चर्च का एक प्रोपेगेंडा था। द थिंग इज, उस वक्त क्रिश्चियन चर्च ब्लूज म्यूजिक को डेविल्स म्यूजिक कहकर पुकारते थे और लोगों को इसके गाने बजाने और यहां तक कि सुनने को भी मना करते थे। एक पॉसिबिलिटी है कि वो अफ्रीकी मूल के म्यूजिशियंस के पॉपुलर होने से चिढ़ते थे, जैसा कि आज भी करते हैं, और उन्होंने ये अफवाहें फैलाई थी, क्योंकि अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त चरम पर था और उनके लिए कोई भी काम करना और पैसे कमाना आसान नहीं था। ऐसे में अगर आप किसी पर विचक्राफ्ट या जादू टोने का लेबल चिपका दें तो आम लोग उससे वैसे ही दूर हो जाएंगे। चर्च के इस प्रोपेगेंडा का शिकार रॉबर्ट कई बार हुआ था, क्योंकि जब उसकी पत्नी की मौत उसके बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी, तब उसके ससुराल वालों ने भी इसका जिम्मेदार रॉबर्ट को ही ठहराया था। उनका मानना था कि यह सब रॉबर्ट के डेविल्स म्यूजिक को प्ले करने की वजह से हुआ था। क्या लगता है, शायद हां या फिर नहीं? रॉबर्ट के कुछ सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स के लिरिक्स पर एक नजर डालते हैं। ये लिरिक्स मी एंड द डेविल्स ब्लूज सॉन्ग की है। अर्ली दिस मॉर्निंग ओ व्हेन यू नॉक्ड अपॉन माय डोर एंड आई सेड हेलो सैटन, आई बिलीव इट्स टाइम टू गो, मी एंड द डेविल वॉज वॉकिंग साइड बाय साइड। अपने दूसरे सॉन्ग हेल हाउंड ऑन माय ट्रेल में रॉबर्ट लिखता है, एंड द डेज कीप्स ऑन वरीइंग मी, देयर इज अ हेल हाउंड ऑन माय ट्रेल, हेल हाउंड ऑन माय ट्रेल, हेल हाउंड ऑन माय ट्रेल। ये एक और लिरिक्स रॉबर्ट के सबसे पुराने सॉन्ग क्रॉसरोड ब्लूज की है, जो कि शायद सबसे ज्यादा फेमस भी है। डाउन टू द क्रॉसरोड्स फेल डाउन ऑन माय नीज, आस्क द लॉर्ड अबव फॉर मर्सी, टेक मी इफ यू प्लीज। रॉबर्ट अपने सॉन्ग्स में क्या कहना चाहता है ये तो साफ नजर आता है, पर रॉबर्ट का ये डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट का लेजेंड रॉबर्ट के मरने के बाद शुरू होता है, जिसमें कहा जाता है कि उस 3 साल के पीरियड में जब रॉबर्ट कहीं चला गया था, उसने क्रॉसरोड यानी चौराहे पर डेविल के साथ एक डील की थी। पर चौराहे पर ही क्यों, किसी कब्रिस्तान में या फिर खेत में या फिर अपने घर में क्यों नहीं? कभी सोचा है? लेट्स फाइंड आउट। द थिंग इज, चौराहा या फिर क्रॉसरोड्स एक तरह का सिंबल है। अगर आप चौराहे के बीचों बीच खड़े हों तो आप पाएंगे कि आप ना तो किसी रास्ते पर हैं और ना ही किसी मंजिल पर, आप कहीं नहीं हैं, बस एक लिम्बो में कहीं बीच में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में सारे जादू टोने चौराहे पर ही रखे मिलते हैं? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चौराहा या क्रॉसरोड्स सिंबल है उन चीजों का जो कि ना तो पूरी तरह से इस दुनिया में है और ना ही इस दुनिया से बाहर, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। पर रॉबर्ट लीरॉय जॉनसन अकेला नहीं है जिसने डेविल के साथ ऐसी कोई डील की थी, क्योंकि ऐसे एलिगेशंस कई और म्यूजिशियंस पर आज भी लगते रहे हैं और उनकी असमय मौत होने से यह शक और भी गहरा हो जाता है। म्यूजिशियंस जैसे कि जॉन लेनन, पॉन लेवी, केटी पेरी, इजी ई, डेविड बोवी, जिमी पेज, ऑजी ऑसबॉर्न, टूपैक, यहां तक कि स्नूप डॉग ने भी अपनी बायोग्राफी में यह क्लेम किया है।
अमेरिका में रॉबर्ट की ग्रेव्स 3 अलग अलग जगह पर हैं, और कोई भी नहीं जानता कि उनमें से उसकी असली ग्रेव कौन सी है। पर अपने जीते जी रॉबर्ट ने जो किया था उसके बुनियाद पर आज का रॉक एंड रोल और वेस्टर्न म्यूजिक खड़ा हुआ है। अब हमेशा की तरह हम इस लेजेंड के लॉजिक में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में रॉबर्ट ने अपनी सोल डेविल को दी थी या फिर नहीं। रॉबर्ट की कहानी का दूसरा पहलू यह है कि जब वो 3 साल के लिए गायब हो गया था, तब वो शायद एक फेमस ब्लूज म्यूजिशियन आइक जिमरमैन के पास गया था, जिन्होंने रॉबर्ट को सब कुछ सिखाया था। आइक का कहना था कि रॉबर्ट रात में कब्रिस्तान के पास जाकर प्रैक्टिस करता था और अगले 3 साल उसने कड़ी तपस्या की थी। जहां तक रॉबर्ट की मौत का सवाल है, तो अलेजेडली रॉबर्ट का अफेयर मिसिसिपी के एक बारटेंडर की वाइफ से चल रहा था। उस बारटेंडर ने रॉबर्ट को एक विस्की की बोतल दी थी जिसमें जहर मिला हुआ था, और शायद उसे पीकर ही रॉबर्ट की मौत हुई थी। पर रॉबर्ट के डेथ सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील विद द डेविल एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है जिसकी जड़ें हमें हिस्ट्री में कहीं मिलती हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के मुताबिक सबसे पहले इस धरती पर एडम और ईव यानी आदम और हव्वा आए थे, और उनके साथ साथ डेविल, जो कि असल में एक फॉलन एंजल है जिसे हेवन से बाहर निकाल दिया गया था, एक सांप जैसे जीव के रूप में आया था। ईव को इस धरती पर बेपनाह ताकत की चाहत थी, और इसीलिए उसने डेविल से एक डील की जिसमें डेविल ने उसे एक एप्पल दिया। ये बस एक कहानी है जो कि हमें बाइबल में पढ़ने को मिलती है, पर इस तरह की कहानियां हमें दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में सुनने को मिलती हैं। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और भारत में भी ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां इंसान किसी ऐसी शक्ति से सौदेबाजी करता है जो उन्हें कहीं ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। इस तरह की डील का मकसद ज्यादातर पैसा या शोहरत पाना होता है, पर ऐसे सारे ही केसेस में जो भी ये डील करता है उसकी मौत हमेशा ही समय से पहले और बड़ी ही भयानक होती है। ऐसी ही एक कहानी सेंट थियोफिलस द पेंटिनेंट की है, जो कि एडाना में 6th सेंचुरी में एक क्लरिक थे। वो एक आर्च डीकन की पोजीशन पर थे और उन्हें बिशप बनने के लिए चुना गया था, पर उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी दिखाते हुए इस पोजीशन को लेने से मना कर दिया। पर थियोफिलस की जगह जिसने भी बिशप की पोजीशन ली थी उसने थियोफिलस को आर्च डीकन की पोजीशन से हटा दिया। तब थियोफिलस ने डेविल से एक डील की जिससे वो बिशप की पोजीशन ले सके और खुद को हटाने वाले से बदला ले सके। डेविल ने थियोफिलस से बदले में एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि थियोफिलस को जीसस क्राइस्ट और वर्जिन मैरी को मानना बंद करना होगा। थियोफिलस ने इसके लिए हामी भर दी और डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। पर कुछ दिनों बाद ही थियोफिलस को लगा कि उसने ऐसा करके गलती कर दी है। उसने जीसस से इस पर माफी मांगी और रोज प्रे करना शुरू कर दिया। पर एक रात थियोफिलस को नींद में कुछ महसूस हुआ। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने सीने पर वही कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ देखा। थियोफिलस ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया और बिशप के पास लेकर गया। उसने बिशप के सामने अपनी सारी गलती मानी और बिशप ने वो कॉन्ट्रैक्ट आग में फेंक दिया। थियोफिलस ये देखकर बहुत खुश था, पर वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसकी मौत हो गई। ये सुनने में एक सिली स्टोरी मालूम पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई भी बात ठीक से सेंस नहीं बनाती। चलिए डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट की एक और कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी कोडेक्स गाइगस की है, जो कि इंटरनेट पर डेविल्स बाइबल के नाम से फेमस है। ये बुक आज तक की हाथ से लिखी गई सबसे लंबी किताबों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस पूरी किताब को एक मॉन्क ने एक ही रात में लिखा था, जो कि नॉर्मली कर पाना इम्पॉसिबल है। तो फिर वो ऐसा कैसे कर पाया था? लेजेंड ये है कि उस मॉन्क ने मॉनेस्ट्री के कुछ नियम तोड़े थे और सजा के तौर पर उसे उसी मॉनेस्ट्री की दीवारों में चुनवा दिया जाना था। अपनी इस सजा से बचने के लिए उसने मॉनेस्ट्री के बिशप से रिक्वेस्ट की कि वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जिससे उस मॉनेस्ट्री की शोहरत दुनिया भर में खुद ब खुद बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ आना शुरू कर देंगे। उसने कहा कि वो इस किताब को एक ही रात में पूरा करेगा, और उसने वो किताब लिखना शुरू कर दिया। उस मॉन्क को वो किताब लिखते लिखते आधी रात हो गई और उसे समझ आ गया कि वो ये किताब रात भर में पूरी नहीं कर पाएगा। इसके बाद उस मॉन्क ने डेविल का आह्वान किया और उससे ये डील की
कि वो जिंदगी भर उसकी ही पूजा करेगा और उसके हर कामों को आगे बढ़ाएगा। डेविल ने वैसा ही किया। डेविल ने वो किताब एक ही रात में पूरी कर दी। उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पढ़ने पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि इसमें बाइबल और क्राइस्ट से जुड़ी कहानियां और बातें ही लिखी हुई हैं, सिवाय एक चीज के। इस किताब के आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर बनी है जो कि किसी भी लिहाज से किसी अच्छे जीव की तो नहीं लगती। लेजेंड के अकॉर्डिंग यह तस्वीर डेविल की ही है जो कि इस किताब का असल लेखक है। सिर्फ इस एक तस्वीर की वजह से कोडेक्स गाइगस को डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग मगर सिली किस्सा पोलैंड से आता है, पैंट वर्डोव्स्की का। यह कहानी 16 सेंचुरी के आसपास की है जिसमें वर्डोव्स्की ने मैजिकल पावर्स पाने के लिए डेविल से डील की थी। इस डील में वर्डोव्स्की ने जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर राजीनामा लिखा था उसमें उसने अपनी सोल डेविल को देने के लिए हामी भरी थी। उसकी बस एक शर्त थी कि डेविल को उसकी सोल लेने, इन शॉर्ट उसे मारने के लिए रोम ही आना होगा। सिंपल टर्म्स में वर्डोव्स्की ने एक चाल चली थी और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया था कि डेविल उसे रोम के अलावा कहीं और नहीं मार सकता। वर्डोव्स्की को ऐसा लगा कि उसने डेविल को धोखा दे दिया है, क्योंकि वो रोम तो कभी जाएगा नहीं और अपनी पूरी जिंदगी आराम से जिएगा, वो भी अपनी मैजिकल पावर्स के साथ। पर डेविल को धोखा देना आसान नहीं था। वर्डोव्स्की को एक बार एक होटल में रुकना था जो कि पोलैंड में ही था। वर्डोव्स्की वहां गया और उसने वहां के मैनेजर से होटल का पूरा नाम पूछा और बड़े ही अनोखे तरीके से मैनेजर ने होटल का नाम बताया, रोम। जब डेविल उसकी सोल लेने आया तब वर्डोव्स्की ने गॉड से प्रार्थना की और डेविल को वहां से भगा दिया। ये कहानी भी सुनने में काफी फनी और चाइल्डिश लगती है, जिसका मकसद शायद लोगों को विचक्राफ्ट और जादू टोने से दूर रखना था। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिन शक्तियों को लोग डेविल या फिर शैतान का नाम देते हैं वो कुछ और भी तो हो सकते हैं? इसके लिए मैं आपको भारत और उसके कुछ अर्बन लेजेंड्स का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने कर्ण पिशाचिनी, प्रेत और यक्षों की खूब कहानियां सुनी होंगी और यूट्यूब पर तो सिर्फ इनकी ही कहानियां भरी पड़ी हैं। इन सारी कहानियों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। पहली सिमिलैरिटी ये कि जो भी तांत्रिक या साधक इन बीइंग्स को अपने साथ रहने या फिर इनसे समय समय पर मदद लेने का सौदा करते हैं, उन्हें इनकी शक्तियों की चाहत होती है, कभी दूसरों की मदद करने के लिए और ज्यादातर केसेस में अपने खुद के फायदे के लिए। दूसरी सिमिलैरिटी ये कि ये बीइंग जैसे कि कर्ण पिशाचिनी या फिर यक्ष सिद्धि के वक्त इन साधकों से कुछ वचन लेते हैं, यानी कि बदले में इन्हें भी साधक से कुछ ना कुछ वादा चाहिए होता है, जो कि डेविल के केस में भी सेम है। तीसरी सिमिलैरिटी, ये साधक या तांत्रिक किसी को भी अपनी शक्तियों के बारे में बता नहीं सकते, ऐसा करते ही वो शक्तियां तुरंत ही इनकी जान ले लेंगी। और चौथी सिमिलैरिटी, इन साधकों में से ज्यादातर की मौत समय से पहले और नॉर्मल नहीं होती है। मैंने खुद ऐसे कई लोगों की अचानक मौत होने के बारे में सुन रखा है। पर्सनली आई डोंट बिलीव इन द डेविल, बट आई डू बिलीव इन थिंग्स सच एज जिन, कर्ण पिशाचिनी, यक्ष एसेट्रा एसेट्रा। और इनके साथ डील करने या फिर किसी तरह का लेन देन करने की कहानियां नई नहीं है, और इन कहानियों के साथ साथ हम उन इंसानों के बारे में भी जानते हैं जो ऐसा करने का खामियाजा भुगत चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पिक किए हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।